हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं चोपड़ा बोल रहा हूँ, प्रिया का डैडी। नमस्ते अंकल, मैं सीमा की फ्रेंड अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना बेटी। बात यह है कि आज प्रिया मुझे शॉपिंग सेंटर में मिली थी, वहाँ उसने मुझे विकी से मिलवाया। अंकल, विकी की सूरत बिल्कुल उस आदमी से मिलती है जिससे सीमा की दोस्ती थी। तुम ये बात यकीन से कैसे कह सकती हो? मेरे पास उसकी तस्वीर है। तस्वीर? हाँ, मेरे बर्थडे पार्टी पर जो तस्वीरें ली गई थी उसमें वो भी है। ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं? नहीं, मैंने पहले प्रिया को बताना जरूरी समझा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देखो बेटी, इस बात का तुम जिक्र भी किसी से मत करना, क्योंकि यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वैसे तुम बोल कहां से रही हो? होटल हिलटॉप, स्टाफ क्वार्टर्स, रूम नंबर 9। ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं प्रिया को लेकर आता हूं। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? Oh yes, of course. Thanks. I hope you're enjoying the party. Huh?
मकसद क्या है? सर, विकी साहब ने सारी कंपनीज पर कब्जा कर लिया है। क्या विकी? नमक हराम तुके पास मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे, लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी जलाओ मत। याद करो वो रेस का मैदान, तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी, क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं। याद आया उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक गुस्सापाह जैसी हो गई है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। और हां मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जरूरत मत करना। आउट।
राही मल्होत्रा या अजय शर्मा। नाम का फरेब देकर गुनाह करते वक्त शायद तुम भूल गए थे कि नाम बदलने से इंसान का चेहरा और उसका जुर्म नहीं बदल जाता। तुमने जिस बेरहमी के साथ मेरी बहन को छत से फेंका था, इतनी बेरहमी से तो कोई अपना खिलौना भी नहीं फेंकता। और इतना ही नहीं, तुमने मुझे भी धोखा दिया, मेरे साथ भी प्यार का नाटक किया। क्यों क्यों बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मेरे पापा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपने हर खुशी का हिस्सेदार बनाया और इसके बदले में तुमने हमें यह सलाह दिया? अगर तुम्हें दौलत ही चाहिए थी तो मेरे पापा से मांग लेते, वो तुम्हें भीख में दे देते। भीख? किस दौलत की बात कर रही हो तुम? हां, किस दौलत की वजह से तुम्हारा बाप चोपड़ा बायर का बादशाह बना बैठा था? वो मेरे पिता की थी, मेरी ही है। अपनी बेटी की मौत को अपने चेहरे की कालक समझने वाला तुम्हारा इज्जतदार बाप किस जमीन से उठकर आया है मैं जानता हूं। अरे था क्या उसके पास? भिखारी की तरह तो वो आया था हमारे दरवाजे पर और मेरे मां बाप ने उसे सहारा दिया था, पर उसके बदले उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया हमको। सोचो उस मासूम बच्चे पर क्या गुजरी होगी जब तुम्हारे कमीने बाप ने उसकी मां की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। तुम नहीं जानती प्रिया, तुम्हारे बाप ने हम पर कितने जुल्म ढाए हैं। तुमने तो सिर्फ उसके माथे पर अमीरी का ताज देखा है, कभी ही उसके आस्तीनों को निचोड़ कर देखो, उसमें तुम्हें मेरे बेकसूर बाप और मेरी मासूम बहन का लहू मिलेगा। मैं आता हूं। हट जाओ प्रिया, इसने हमें बर्बाद किया है, ये धोखेबाज है। झूठ बोल रहे हैं आप, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि धोखेबाज कौन है। धोखेबाज ये नहीं आप है। हट जाओ यहां से, ले जाओ मुझे। छोड़ो, तू क्या समझता है कि तू मेरी दौलत इतनी आसानी से ले जाएगा? मदन चोपड़ा है मेरा नाम, मदन चोपड़ा। मारो इसे और मारो। तुम्हारे जैसे खूबसूरत औरत सड़क पे कैसे रहेगी? कहां सोएगी? कहां नहाएगी? खत्म कर डालो साले को। मदन, मदन चोपड़ा। मारो इस हरामजादे को, साले को मारो और मारो। अभी तो मैंने उसके हाथ पर गोली मारी है, लेकिन अगर इसने मेरे प्रॉपर्टी के कागजात नहीं लौटाए तो मैं इसके जिस्म के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तू चुनते चुनते मर जाएगी। मां बेटे का भविष्य चुनती है, दुआएं चुनती है, उसके जिस्म के टुकड़े नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना
तो मैं तेरे जिस्म का टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े करूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये क्या हो गया माँ? नहीं माँ, माँ, ये पंद्रह साल से जो खून मेरी माँ की आंखों में आंसू बनकर रिसता रहा, आज उसका बांध तूने तोड़ दिया है। अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, सैलाब आएगा। से मारा था ना मेरी मां को, यही हाथ उठाया था ना मेरी मां पर।
Subscribe to www.youtube.com/venusmovies.